हेलो एवरीवन, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इस चैनल पर, HDMI मेघामा जो 4 लाइन बनना था उससे रिलेटेड। तो दोस्तों, आज एक और नोटिफिकेशन मिला है जो कि बहुत ही खुशी फील हुआ इस नोटिफिकेशन को देख के, क्योंकि गाइस HDMI से लेके मेघामा तक का जो 4 लाइन का टेंडर था वह पास हो चुका है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानते हैं कि आखिर यह टेंडर किसको मिला है और HDMI से लेकर मेघामा तक का जो 4 लाइन बनेगा वह कब तक पूरा हो जाएगा और वह कब से काम शुरू हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आइए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल पर मैं इस प्रकार के वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। HDMI से मेघामा तक बनने वाले 4 लाइन सड़क का टेंडर हो गया पास। दोस्तों, यह सड़क 927.76 करोड़ की लागत से बनेगी। दिलीप बिल्डकॉम लिमिटेड को यह मिला है टेंडर। अब सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से 4 लाइन सड़क निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया में कुल 10 बड़ी कंपनी ने टेंडर डाला था। NHAI की ओर से HDMI से मेघामा 50 किलोमीटर तक 4 लाइन सड़क बनेगी। 4 लाइन के साथ साथ गोड्डा शहर में बाईपास भी बनेगा। अब गोड्डा शहरी क्षेत्र में बाईपास के साथ 4 लाइन से सीधे मेघामा तक जाएगी। कई दशक से शहर को जाम की स्थिति से परेशान का सामना करना पड़ रहा था। बाईपास का निर्माण हो जाने के बाद लोगों को सुविधा होगी। दिशा कमेटी सदस्य संतोष कुमार सिंह ने सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को बधाई देते हुए कहा कि टेंडर हो जाने के बाद काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इसमें गोड्डा का समुचित विकास होगा, व्यवस्था बढ़ेगी, सड़क के साथ गोड्डा शहर में बाईपास भी बनेगा। इस जर्जर 2 लाइन सड़क पर 4 लाइन बनने के बाद सरपट दौड़ेगी गाड़ियां। बिहार झारखंड की लाइफलाइन होगी यह सड़क। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि HDMI से जो मेघामा का 4 लाइन बनने जा रहा है उस पर टोटल जो लागत है वह 927.76 करोड़ रुपए के लागत से इस पूरा रोड को बनाया जाएगा। दोस्तों, इस रोड को बनाने के लिए 2 साल की अवधि दी गई है और बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ी जानकारी आप लोग को मैं बता दूं कि इस रोड का जो टेंडर दिया गया है, टेंडर के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी ने टेंडर डाला था। दिलीप बिल्डकॉम लिमिटेड कंपनी को इस रोड का टेंडर को सौंपा गया है जो कि 2 साल के अंदर पूरा कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, अभी यह एक नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि यह काम कब से शुरू होगा, लेकिन ये एक जानकारी मिली हुई है कि इसका टेंडर पास हो चुका है और बहुत जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो आज के गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोग को एक जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और गाइस कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और गाइस, अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल पर मैं इस प्रकार के वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।